सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरे पास है दो स्मार्टफोन एंड दोनों स्मार्टफोन भाई काफी ज्यादा पावर लोडेड है। और यहाँ पे तो देख सकते हो आईफोन 13 प्रो है जो कि 2021 का सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ में आता है। एंड यहाँ पे एक दूसरी तरफ मेरे पास है वीवो X70 प्रो जो कि डायमंड सिटी का 1200 प्रोसेसर के साथ में आता है जो कि कमाल का परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन स्पेक्स का कि कौन से कमाल का निकल के आता है। काफी सारे एप्लीकेशन हम लोग क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे एंड भाई वीडियो भी रेंडर करेंगे, फोटो रेंडर करेंगे, अंतुतु स्कोर देखेंगे, रिबूट करके देखेंगे, पबजी किस में सबसे पहले खोल के देता है, सारा चीज चेकआउट करने वाले इस वीडियो में। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं अमकित और आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना एंड मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ये साल के एंड तक में मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने कर दो भाई सपोर्ट करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो काफी ध्यान में रख के आपको ये वीडियो को वॉच करना है। सबसे पहला बात कर लेते हैं प्राइसिंग को लेके। तो मेरे पास है आईफोन 13 प्रो 128 GB जिसका प्राइस इंडिया में 1,20,000 रुपीज है। एंड उसी के बगल में भाई है वीवो X70 प्रो जिसका प्राइस है 50,000 रुपीज। रैम का बात कर ले तो आईफोन वाला में आपको 6 GB रैम देखने को मिलता है, वीवो में आपको 8 GB रैम देखने को मिलता है। तो एक तो प्राइसिंग डिफरेंट देख सकते हो काफी ज्यादा, मतलब वीवो X70 दो आ जाएगा उसके बाद भी भाई पैसे आपको पास बच जाएगा 20,000 रुपीज, उसमें और अच्छा स्मार्टफोन आप ले सकते हो। तो इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं पॉइंट्स भी काउंट करूंगा कि कौन सा विन करता है, तो आपको भी एकदम अच्छा वाला आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। जो सबसे पहले टेस्ट करेंगे वो है भाई रिबूट का। दोनों ही स्मार्टफोन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, देखते भाई सबसे पहले कौन सा फोन आपको खोल के देता है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ बटन दबाया और यहाँ पे मैंने दोनों को ही छोड़ दिया एंड दोनों में ही सेम टाइम में देख सकते हो लोगो आ गया। देखते भाई कौन सा सबसे पहले खोल के देता है। सो यहाँ पे अपना क्लियर विनर बनता है आईफोन, बिकॉज भाई यहाँ पे कितना फास्ट तरीके से भाई फोन जो है फटाफट भाई ऑन हो गया। यहाँ पे भाई एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट दिखता है भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। सो गाइस जो सबसे पहला राउंड था वो तो अपना भाई आईफोन जीत गया बिकॉज भाई A15 का बायोनिक चिपसेट मिलता है एंड 2021 का सबसे ज्यादा लेटेस्ट एंड पावरफुल चिपसेट आप बोल सकते हो। कुछ स्कोर का बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मैं दोनों का अंतुतु स्कोर दिखा देता हूँ। आईफोन का जो है 5,74,000 निकल के आता है एंड यहाँ पे वीवो का जो है 68,000 से अबव निकल के आता है। तो यहाँ पे जो क्लियर विनर बनता है वो है वीवो। लेकिन वहीं अगर आप बेंच मार्क के तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो क्लियर विनर बनता है वो है आईफोन। तो यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से आपको रिजल्ट्स निकाल के दे रहे हैं। तो यहाँ पे मीडिया देखा डायमेंसिटी 1200 काफी अच्छा अंतुतु स्कोर निकाल के दिया एंड यहाँ पे जो आईफोन है वो काफी अच्छा बेंच मार्क्स निकाल के दिया। यहाँ पे देख सकते हो टोटल 13 एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग सारे एप्लीकेशन को खोलेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं फोटो भी मैं क्लिक करके रेंडर करूंगा, इसके अलावा मैं वीडियो भी रेंडर करके दिखाऊंगा सबसे पहले किस में होता है एंड पबजी कौन सा सबसे पहले आपको लोड करके देगा एंड COD कौन सा सबसे पहले लोड करके देगा। तो ये सारा चीज चेक करने वाले हैं। यहाँ पे रिसेंट में देख सकते हो कुछ भी नहीं है एंड आईफोन का भी रिसेंट में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेम वाईफाई में मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब देख लेते हैं भाई कौन सा एप्लीकेशन सबसे पहले खोल के देता है। तो यहाँ पे फेसबुक है 3, 2, 1, go। तो यहाँ पे फेसबुक के मामले में भाई क्लियर विनर अपना वीवो बनता है। वीवो काफी स्पीड से जो है अपना फेसबुक खोल के दे दिया। यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा स्क्रोल कर देता हूँ एंड स्क्रोल करने के बाद में देख सकते हो सेम फोटो है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मिनिमाइज कर देता हूँ एंड यहाँ पे अब इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पे सेम टाइम में मैंने इंस्टाग्राम खोला और यहाँ पे सबसे जो पहले लोड किया वो है भाई अपना आईफोन। तो यहाँ पे आईफोन अपना विनर बनता है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं अपना प्रोफाइल में जाते हैं एंड प्रोफाइल देख सकते हो सबसे पहले जो लोड किया वो अपना आईफोन। भाई ये कितना टाइम लग गया लोड करने में। नीचे स्क्रोल करते बाय द वे फॉलो कर लेना टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है, बार बार बोलते रहता हूँ। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ भाई सेम पोस्ट को यहाँ पे खोलते हैं एंड फिर से यहाँ पे क्या करते हैं भाई मिनिमाइज कर देते हैं। अब टर्न है टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम यहाँ पे सबसे पहले आई थिंक जो सिमिलर ही था, आईफोन थोड़ा सा मेरे को फास्ट लगा ऐसा मेरे को लगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई एक ठो भाई योर इंडियन कंज्यूमर का ये खोल देते हैं और खोल के भाई ये एकदम लास्ट कर लेते हैं एंड इसको भाई मिनिमाइज कर लेते हैं 2, 1, go। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लोड है वो आईफोन में मिला जो कि काफ़ी अच्छा है। स्पॉटिफाई में सबसे पहले लोड भाई आईफोन में हुआ, काफ़ी सही है। इस तरीके से करके भाई मिनिमाइज कर लेते हैं क्रोम। ओके तो क्रोम यहाँ पे आईफोन में विन करता है। अब यहाँ पे भाई आईफोन में जाके अब क्या लोड करें, विकिपीडिया को लोड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट अपने को आईफोन में देखने को मिला तो आईफोन फिर से विन करता है। एक और टेस्ट कर लेते हैं भाई सेम लिंक को क्लिक करते हैं 3, 2, 1, go।
तो यहाँ पे भाई आईफोन सबसे पहले रिलोड करके दिया, तो यहाँ पे काफ़ी सही है। अब इसको क्या करते हैं, यहीं से भाई मिनिमाइज़ करते हैं, वापस आके देखेंगे कि ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड यूट्यूब में खोलते हैं, सबसे पहले जो लोड किया यूट्यूब वो है भाई वीवो, ओ माई गॉड, एंड मेरे ही वीडियो पॉप हो रहा है दोनों में। तो फिलहाल मैंने वीवो X70 प्रो का ही मैंने पबजी टेस्ट डाला था, तो ये वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। क्या करता हूँ, दोनों को ऐसे मतलब प्ले में लगाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मेरे को प्ले होते हुए आईफोन में दिखा, दैट्स गुड। और इसको भाई ऐसे ही क्या करते हैं, पहले तो मतलब ऐसे लाइक कर देते हैं, ऐसे लाइक करके फिर ऐसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। अमेज़ॉन, तो भाई क्या बात है, वीवो में इतना तरगा तरीके से लोड कर दिया, बहुत फास्ट लोड किया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पे भाई सेम प्रोडक्ट आ रहा है, तो इस दोनों को ही क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे भाई सबसे पहले लोड आई थिंक सो वीवो में ही मेरे को देखने को मिला। अब इसको यहाँ से भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे भाई देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में सबसे पहले लोड करके कौन देता है कॉल ऑफ ड्यूटी को। 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पे आईफोन भाई विन करता है, आईफोन में काफी स्पीड तरीके से लोड हो गया, तो देख सकते हो बहुत स्पीड तरीके से लोड करके दे दिया। एंड यहाँ पे अभी तक लोडिंग चल रहा है, ये मैंने ईमेल आईडी से लिख किया तो ये लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आईफोन विन करता है। ट्रेन का टिकट का एप्लीकेशन खोलते हैं भाई, ये भाई सबसे पहले आईफोन में खुलते हुए दिखा मुझे, काफ़ी सही है, आईफोन में सबसे पहले खुला। अब टाइम है भाई BGMI देखने का कि दोनों में से कौन सा सबसे फास्ट BGMI हमें लोड करके दे देता है। तो 3, 2, 1 गो। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, कितना देर का सेकेंड का टाइम लगा एक तो इसको खुलने को। यहाँ पे बहुत डिफरेंट रिजल्ट आएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा श्योर है कि आईफोन विन करने वाला है, जबकि इसमें स्टोरेज UFS 3.1 मिलता, बट फिर यहाँ पे आईफोन विन करेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिन से तो मेरे को मालूम चल रहा है, एंड ये एक्चुअली खोलने में टाइम लग गया दिया था भाई, कुछ तो डाउनलोड अपडेट है, कुछ नहीं कर सकता भाई, डाउनलोड अपडेट है, फिर भी मुझे लगता है आईफोन ही जीतेगा भाई। क्या बात है, मतलब आईफोन ने डाउनलोड करके अपडेट करके खोल दिया, उसके बाद जाके वीवो खुला, तो मतलब आप समझ रहे हो ना भाई कितना ज़्यादा फास्ट है। काफ़ी सही है भाई, काफ़ी सही है। सो गाइस अब क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रंट कैमरा खोल के एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मालूम चल जाएगा कि सबसे पहले कैमरा कौन फ्लिप करके देता है। तो 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पे सबसे फास्ट आईफोन लोड करके देता है, एंड अगेन अब मैं देखता हूँ 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई आई थिंक जो वीवो दिया, तो क्या करता भाई एक मस्त तरीके से एक सेल्फी लेते हैं, और क्या करते हैं भाई इसको लाइटरूम में ऐड करते हैं। यहाँ पे दोनों फोटो आ गया, क्या करते हैं ऑटो में कर देते हैं दोनों को, और करने के बाद एक्सपोर्ट करके देखते हैं 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट भाई आईफोन करके देता है, भाई खतरनाक स्पीड से दिया, एंड यहाँ पे वीवो जो है थोड़ा टाइम लगाता है। अब इसको यहीं पे भाई मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है भाई काइंड मास्टर खोल लेते हैं, तो काइंड मास्टर में यहाँ पे अब यहाँ पे काइंड मास्टर खोल लेते हैं, लास्ट जो है देखेंगे भाई वीडियो कितने देर में अपने को रेंडर करके देता है। मस्त तरीके से टाइमर भी देखेंगे, सबसे पहले फोन अपने को करके देता है पूरा का पूरा लोड। इस दोनों स्मार्टफोन में सेम फुटेज देखने को मिलता है, एंड ये टोटल 1 मिनट 8 सेकंड का है। इसको मैंने दोनों फुटेज को मैंने स्लो किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फुटेज को मैंने स्लो किया हुआ है। अब यहाँ पे भाई दोनों फुटेज को करते हैं एक्सपोर्ट, और देखते हैं भाई कि कितना जल्दी होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं फुल HD 30 FPS में, एंड यहाँ पे जो बिटरेट रहेगा वो 10 बिटरेट रहेगा। तो यहाँ पे भाई हम लोग 10 बिटरेट कर देते हैं। 3, 2, 1 गो। ओके, यहाँ पे मैंने टाइमर वगैरह सब लगा दिया है। यहाँ पे भाई बहुत स्पीड तरीके से आईफोन भाई क्या खतरनाक तरीके से वीडियो को रेंडर कर रहा है, एंड मेरे को लगता है भाई काफ़ी स्पीड में है भाई, एकदम तगड़ा स्पीड में रेंडर कर रहा है। आईफोन जो है 13 सेकंड में पूरा पूरा वीडियो को लोड कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया। एंड यहाँ पे जो वीवो है वीडियो एक्सपोर्ट का जो विनर बनता है भाई, दोनों में सेम फुटेज था, दोनों ही सेम बिटरेट में थे, सब कुछ सेम था। तो यहाँ पे आईफोन जो है 13 सेकंड में पूरा पूरा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट कर दिया, रेंडर कर दिया। एंड जो वीवो है इसको 27 सेकंड लगा, आप ऑलमोस्ट आप इसको डबल बोल सकते हो। ये चीज़ भाई काफ़ी सही लगा मेरे को भाई, काफ़ी स्पीड से भाई यहाँ पे वीडियो वगैरह तो मस्त रेंडर कर देता है भाई। अब देखते हैं कि भाई रैम मैनेजमेंट कैसा है, जितना भी एप्लीकेशन हम लोगों ने अभी खोला था सारा का सारा वापस से खोल के देखेंगे कि कौन सा रिफ्रेश हो गया, कौन सा बैकग्राउंड में चल रहा है, वो सब चीज़ चेकआउट करते। तो काइंड मास्टर तो अभी हम लोग ने खोला, लाइट रूम देख लेते हैं। 3, 2, 1 गो। तो लाइट रूम यहाँ पे भाई जो वीवो है वो भाई पूरा का पूरा रिफ्रेश कर लिया, बट जो एप्पल है वो वहीं का वहीं है। एप्पल का रैम मैनेजमेंट काफ़ी सही लगा, देख लेते हैं भाई यहाँ पे। तो BGMI भाई दोनों में ही बैकग्राउंड में था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा देखकर, BGMI दोनों में बैकग्राउंड मिलता है।
यहाँ पे ट्रेन का टिकट वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वीवो है यहाँ पे रिफ्रेश हो गया और जो आईफोन है वो बैकग्राउंड में जैसे मैंने छोड़ा था वैसे ही था। कॉल ऑफ ड्यूटी देख लेते हैं, तो कॉल ऑफ ड्यूटी भी भाई यहाँ पे क्या बात है भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी भी यहाँ पे लोड कर लिया एंड जो आईफोन है जहाँ छोड़ा था वहाँ का वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अमेज़ॉन का बात करते हैं, अमेज़ॉन भाई वहीं का वहीं है, काफ़ी अच्छा लगा दोनों स्मार्टफोन में, मैं जहाँ छोड़ था वहीं है। अगर यहाँ पे बात करें YouTube का, तो YouTube में भाई हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था भाई वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर Chrome का बात करें तो Chrome में भी भाई जहाँ से हम लोग ने ढाला था वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। Spotify का बात करें तो Spotify भी जो है जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था वहीं पे Spotify है। InShot का बात करें तो InShot में भाई यहाँ पे पेज जो है रिलोड हो गया, iPhone रिलोड नहीं किया, काफ़ी सही लगा। तो यहाँ पे Telegram का बात करें तो Telegram में भी भाई दोनों जो जहाँ छोड़ा था वहीं का वहीं है। Instagram का बात करें तो Instagram में भी इसी फ़ोटो पे थे और यही फ़ोटो अभी भी आ रहा है, तो काफ़ी सही है, दोनों ने लोड नहीं किया। एंड Facebook देखते हैं भाई किस किस ने लोड कर दिया, तो यहाँ पे जो ये है, अच्छा दोनों ही भाई पेज रिफ्रेश किया है, दोनों स्मार्टफोन को सेम टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो जो आईफोन है बैक की तरफ में आपको 34 हाईएस्ट टेम्परेचर है एंड जो आपका वीवो है ये भी आपको हाईएस्ट टेम्परेचर 34 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको सेम से मिल जाता है। बाकी तो आप ऑन स्क्रीन में देख सकते हो कि सबसे अच्छा रिजल्ट कौन निकाल के दिया, कौन सा लोड हुआ, कौन सा रीलोड हुआ वगैरह सारा चीज़। एंड यहाँ पे एक्चुअली आईफोन काफ़ी अच्छा जॉब किया बिकॉज इसका A15 बायोनिक चिपसेट भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग निकाल के देता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डायमंडसिटी का 1200 जो है वो लमसम भाई टक्कर दे पाया, लेकिन हाँ आगे तो नहीं जा पाया बिल्कुल भी। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो इस वीडियो को कर सकते हो छोटा सा लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, सपोर्ट करो, क्योंकि भाई 2 लाख सब्सक्राइबर इस साल के एंड तक में कंप्लीट करना है। अगर आपको ये दोनों में से फ़ोन जो भी परचेस करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाके परचेस कर सकते हो, दोनों ही बीस्ट एंड ब्यूटी देखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक इन बॉक्सिंग यूजर नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।